हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो यार, आज के ज़माने में आप लोगों को पता ही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और इस टाइम की कंडीशन ये आ चुकी है कि पेट्रोल डीजल इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंडिया के अंदर भी कुछ टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं। सो गाइज, लेट आई इंट्रोड्यूस विद ओकाया। जो ये गाइज कंपनी है ओकाया, ये पहले बैटरीज बनाती थी एंड अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज बनाती है। ये वाला जो शोरूम है, ये है नियर बाय आकाश हॉस्पिटल नालागढ़। आकाश हॉस्पिटल के जस्ट साथ में ही है। और गाइज, ये हिमाचल का पहला स्टोर है ओकाया कंपनी का। गाइज, यहाँ पर है पीछे अपनी ओकाया की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि गाइज काफ़ी फीचर से लोडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इसकी की मुझे नहीं लगता किसी भी छोटे सेगमेंट की बाइक या स्कूटी में ऐसी की मिलती होगी। तो यार, चेक करो इसकी चाबी। तो यार, यहाँ पर इसकी चाबी, इसके साथ आपको दो चाबियाँ मिलती है, सिंपल वाली, जो कि हर किसी एक बाइक में होती है या फिर स्कूटी में आपको देखने को मिलती है। बट गाइज, इसके साथ मिलते हैं आपको दो रिमोट्स, जिसमें आपको लॉक एंड अनलॉक बटन मिल जाते हैं, और थर्ड गाइज आपको फाइंडर मिल जाता है, जिससे आप लोग अपनी स्कूटी को कि कहाँ पर खड़ी हुई है उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ रिमोट दबाऊंगा और वहाँ स्कूटी पे साउंड होगी। लिसन गाइज, वहाँ पे अपनी स्कूटी है, तो ये सायरन कर रही है। गाइज, अगर बात करूँ इस स्कूटी के फीचर्स की, तो इस स्कूटी में गाइज इतने सारे फीचर्स हैं, जानता तक नहीं था कि इतने सारे फीचर्स भी हमारे को मिलेंगे। तो चलो यार, आप लोगों को फ़ायदे दिखाता हूँ इस चीज़ के, मतलब इस स्कूटी को लेने के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो गाइज़, ये सारे फ़ायदे आपको इस स्कूटी को लेने के, ना ही आपको लाइसेंस चाहिए, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ना ही पेट्रोल डलेगा इसमें, एंड नो पॉल्यूशन, इसका कोई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा, एंड नो नॉइज़, क्योंकि ये फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो गाइज़, ये सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं इस स्कूटी को परचेज़ करने के। मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है, वो लोग बाइक पे भी विदाउट हेलमेट ट्रैवल करते हैं। जो लोकल में चलते हैं वो विदाउट हेलमेट चलते हैं, और उनका चालान होता है और पुलिस वालों से डर के चलना पड़ता है। बट गाइज़, इस स्कूटी में आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्कूटी पे आपको चालान भी नहीं भुगतना पड़ेगा, मतलब आपका विदाउट हेलमेट कोई भी चालान नहीं होगा। अब आते हैं स्कूटी पे। फेयर गाइज, इसके अंदर हमारे को मिलते हैं दो मॉडल, एक का नाम है फ्रीडम एंड दूसरे का नाम है क्लासिक 150। यार, इसमें कोई भी इंजन नहीं है, इसमें सिर्फ मोटर है जिसके ऊपर ये काम करती है और ये चलती है। तो इसमें हमारे को जो दोनों मॉडल हैं, उनमें ये बेस मॉडल है एंड ये टॉप मॉडल है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है, इसमें आपको फ्रंट डिस्क मिलती है। बाकी यार गाइज, आपको लाइट इसमें LED लाइट मिलती है दोनों सेगमेंट के अंदर। ऊपर आपको फेस पे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और यार गाइज, यही मैंने फर्स्ट व्हीकल्स देखे जिनमें आपको रिवर्स गियर तक मिलता है। यार, इसमें आपको रिवर्स गियर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इग्निशन के लिए कोई बटन नहीं है, इसमें सिर्फ रिवर्स के लिए बटन है, और आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ क्लच दबाना है एंड इट विल बी स्टार्ट। देखो, यहाँ पर स्टार्ट आ गया एंड स्पीड शो हो रही है। तो चलो यार गाइस, नेक्स्ट वाली जो क्लासिक है उसके बारे में बताते हैं। वैसे मैक्सिमम फीचर्स सेम ही है, सब कुछ सेम है इसमें। बाकी गाइज, इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको 45 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी, और इसकी आपको 35 किलोमीटर पर आवर मिलेगी। फुल बैटरी चार्ज होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, एंड देन इट विल गिव यू 75 किलोमीटर बैकअप। गाइज, अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो इसका प्राइस है 69,900, मतलब 69,900 रुपये, मतलब 70,000 रुपये की आपको ये पड़ने वाली है फ्रीडम विदाउट डिस्क। एंड गाइज, अगर इसकी बात की जाए तो जस्ट 1,000 रुपीज़ अप प्राइस है इसका, मतलब ये आपको 71,000 रुपये पड़ेगी। और गाइज, इसमें एक्स शोरूम या फिर ऑन रोड वाला सिस्टम नहीं है, बिकॉज ये ऑन रोड ही समझ लो, ये ऑन रोड ही प्राइस है, क्योंकि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाली है, ना ही आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। डायरेक्ट आप 71,000 रुपये इसके दो और आप लोग यहाँ से इसको लेके निकल जाओ। कलर्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, आपका रेसिंग ब्लू, डार्क नाइट,
एंड डार्क नाइट अगेन, वाइट, ग्रे, सिल्वर, रेड, मतलब आपको काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिलते हैं इन स्कूटीज़ में। अगर आप लोगों को इन स्कूटीज़ से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो या फिर कुछ आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा यहाँ का, अंकल जी आपकी कॉल पिक कर लेंगे एंड ही विल गाइड यू। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि कैसी लगी ये स्कूटीज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।